हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इसमें कवेरी। आज मैं आप लोगों के लिए साइनिस बीएल सीरीज गार्डियन एपिसोड 1 लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। 10,000 साल से भी पहले एक एलियन जाति एंसिंग प्लेनेट पर उतरी। उनमें से कुछ ने अपनी सेल्स को पौधों और जानवरों के साथ जोड़ दिया, इससे ये सु जनजाति का निर्माण हुआ। कुछ जमीन के नीचे गहरे रह गए और ये डिक्सिंग लोग थे। उनकी सेल्स भी कन्वर्ट हो गई और वे सुपरनेचुरल पावर्स में सक्षम हो गए, जबकि सबसे बड़ी आबादी वाला हेंगसिंग अनएफेक्टेड रहा। हालांकि तीनों जनजातियों के बीच तब तक शांति थी जब तक कि एक उल्का हेंगसिंग प्लेनेट से नहीं टकराया और डिक्सिंग के रिसोर्सेस खत्म होने लगे। वे सरफेस पर भाग गए और ये सौ लोगों के साथ युद्ध शुरू कर दिया। अंत में उल्का से 4 पवित्र इक्विपमेंट बनाने के बाद हेंगसिंग ने युद्ध जीत लिया। तब तीनों जनजातियां शांति पर सहमत हुई। दमर की शुरुआत प्रोफेसर सेन द्वारा एलियन अस्तित्व और प्रजातियों के म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी पर लेक्चर देने से होती है, क्योंकि वो वर्तमान तकनीक के बारे में जानकार नहीं है। उनके स्टूडेंट असिस्टेंट ली क्यान प्रेजेंटेशन में हेल्प के लिए मौजूद है। लेक्चर के बाद प्रोफेसर ओयांग अपने रिसर्च बायो इंजीनियरिंग टीम के लिए सेन उई को भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन प्रोफेसर सेन ने इस प्रपोजल को धीरे से अस्वीकार कर दिया। रात होने पर एक कप्टा हुआ करेक्टर ड्रैगन सिटी के सड़कों पर घूमता है। जब वो अपने गंतव्य पर पहुंचता है तो एक अंधेरा व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाता हुआ उसके दिशा की ओर बढ़ता है। गोसांग सिंह ने डर कर अजनबी को अपना सिफारिश पत्ता दिखाया, जो तुरंत उसे बिल्डिंग में खींचकर ले गया। वो व्यक्ति स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का चीफ उसका बस निकला। अपने सभी नए स्पेशल एसोसिएट से मिलते हैं। उन सभी के पास अलग अलग तरह के शक्ति देखते हैं। फिर उसका ब्लड प्रेशर कम होने के कारण गो तुरंत बेहोश हो गया। गो के जागने के बाद सिर्फ अपनी टीम में नए मेंबर के शामिल होने से बहुत खुश होता है। वो कहता है, अभी उनसे हुए शॉर्ट कॉन्टेक्ट के बाद मुझे भरोसा है आप वास्तव में हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की गर्मजोशी का अनुभव करने में सक्षम है। इस दिन से हम आपका फैमिली रहेंगे। वो संग बिल्ली को बातें करते हुए देखकर फिर से बेहोश हो जाता है। उसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। तभी शिव साव कहता है, यह मिनिस्टर गो का निफ्यू है। अगले बस के नए स्थान की खाती तुम लोग उसे नाराज नहीं कर सकते। उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। और बिल्ली को कहता है, और तुम्हें बिल्ली के रूप में लोगों को डराने की परमिशन नहीं है, अन्यथा मैं तुम्हारी सूखी मछली खाना कम कर दूंगा। बिल्ली कहता है, हमें समझ गया। अगली सुबह 3 लोगों के टीम जाओ डॉकिंग और लिटिल गाओ एक रात पहले हुई हत्या की घटना के कारण ड्रैगन यूनिवर्सिटी पहुंचती है। लिटिल गाओ बॉडी को देखकर वोमिट करने की एक करते हैं। शिवसाओ उससे कहता है, सबसे पहले उल्टी के बारे में चिंता मत करो, मुझे तुमसे पूछना है, तुम्हें क्या लगता है वो कैसे मर गई? गो कहता है, मुझे लगता है कि उसकी हत्या हो गई। शिवसाओ कहता है, यह काफी काम की बात है। तभी बिल्ली कहता है, साहसी हो लेकिन लापरवाह नहीं, आपके सामने फ्यूचर पड़े हुए है। लिटिल गाओ पूछता है, फिर शिव साओ अब मैं क्या कर सकता हूँ? शिव साओ उसके हाथ पकड़ कर बॉडी को टास्क कराते हैं। विक्टिम लू रोमी थी। शिव साओ और डार्क किंग ने बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर खुली खिड़की की चेक की और देखा कि हाथ के निशान की दिशा अंदर की तरफ है। जबकि दोनों बहस करते हैं कि हत्या डिक्सिंग के कारण हुई थी। लिटिल गाओ को बिल्डिंग के किनारे लटकते हुए छोड़ दिया गया था। तभी लिटिल गाओ की रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। जब उसे शिव साहब देखते हैं, तभी प्रोफेसर सेन उसे देख लेते हैं और दोनों के बीच आई कांटेक्ट होते हैं। शिव साहब उसे देखकर अंदर चले जाते हैं। सीखे सुनकर प्रोफेसर सेन लिटिल गाओ के पास जाकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा पैर ठीक होना चाहिए, चलो अभी उठ जाओ। डॉकिंग खुद का एक बिल्ली में बदल लेता है, जिससे प्रोफेसर का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। शिव साहब ने नोटिस किया कि डॉकिंग अपने सामान्य व्यक्तित्व के विपरीत प्रोफेसर से प्रभावित है, जो अजीब था। शिव साहब पूछता है, आपका नाम क्या है सर? मैं शिव साहब हूँ, मैं इस मामले को
संभाल रहा हूँ। पापा सासन कहता है, सर मत कहो, मैं सैनुई हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। शिवसा कहता है, अच्छा नाम है, तुम मेरे बिजनेस कार्ड लो, जब हम फ्री होंगे तब बात करते हैं। दोनों हाथ मिलाते हैं, लेकिन सैनुई अपनी पकड़ नहीं छोड़ते। एक पोयन क्यों जो बहुत कुछ कहता है, जिसे शिवसा अभी तक समझ नहीं पाया है। SID टीम के जाने के बाद प्रोफेसर सेन जाओ द्वारा सड़े गए बिजनेस कार्ड को पढ़ते हैं और शिवसाओ का पूरा नाम जाओ यूनला देखते हैं। डार्क किंग की मदद से वे अपराध के गबाली ज्ञान का पता लगाते हैं। वो उन्हें बताती है कि उसने एक शैडो को लूल रोमी को मारते हुए देखा था, लेकिन उसे संदेह था कि अन्य लोग उसकी कहानी पर विश्वास करेंगे। डार्किंग खुद को एक बिल्ली से इंसान में बदल लेता है और खुद से ही कह रहा होता है कि ओल शू ली क्यांग के घर पर फिलअप कर रहा है। लिन जिंग, टू हंग और वांग सेंग सभी ऑफिस में सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन मैं 1000 साल पुरानी बिल्ली क्यों हूँ? और SID के डिप्यूटी सिर्फ डोर कीपर के रूप में यहाँ फंस गए, ये ऐसे नहीं चलेगा। तभी वही प्रोफेसर सेन आते हैं, उसे देखकर डार्किंग उसे देख ही रहे होते हैं। प्रोफेसर सेन पूछता है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? डार्किंग कहता है, क्या कह रहे हो? सेन पूछता है, क्या ली क्यान अंदर है? डार्किंग कहता है, हाँ। प्रोफेसर सेन अंदर जाते हैं, उसे देखकर शिवसा कहता है, मैंने अनुमान लगाया कि हम फिर मिलेंगे, लेकिन यह बहुत जल्दी है ना? प्रोफेसर सेन कहता है, ली क्यान मेरा स्टूडेंट है, आफ्टरनून में उसकी क्लास है, मैं उसे लेने के लिए यहाँ आया हूँ। शिवसा कहता है, मुझे जो कुछ चाहिए था मैं पहले ही पूछ चुका हूँ। लू रोमी आपकी स्टूडेंट भी है ना? अपने अजीबो गरीब क्लास तो देखी ही होगी, लेकिन आपकी कोई रिएक्शन नहीं है। प्रोफेसर सेन कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकते, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, ऐसे कोई चीजें है जो मुझे नहीं पूछने चाहिए। शिवसा कहता है, ऐसी चीजें जिन्हें समझाना नहीं जा सकता, ऐसा क्या होगा? प्रोफेसर सेन मन मुझे बता रहा है कि वे क्या है। प्रोफेसर सेन कहता है, मैं बायोलॉजी प्रोफेसर हूँ, अधिक स्पेसिफिक होना मेरा रिसर्च जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में है। प्राचीन काल से प्रीहिस्टोरिक काल से प्रारंभ 10,000 साल पहले तकनीकी सफलता आज तक मनुष्य ने हजारों वर्षों के तकनीकी विकास का अनुभव किया है। इस लंबी प्रोसेस में इस बीच में न्यू प्रजातियों बनाने में कितने जेनेटिक म्यूटेशन शामिल थे, मुझे डर लग रहा है, यहाँ तक कि आप यह भी नहीं कह सकते कि कितना। शिवसा कहता है, प्रोफेसर सेन निश्चित रूप से इसमें एक्सपर्ट है, आप सचमुच बहुत कुछ जानते हैं। फिर अगली बार अगर आप किसी किताब में इस बारे में कोई जानकारी देखे तो मुझे एक फोन करना, मैं तुरंत आपकी तरह भागते हुए आएंगे। प्रोफेसर सेन कहता है, आप ठीक कह रहे थे, सिर्फ जाओ लू रोमी मेरी स्टूडेंट है, इसलिए प्लीज जल्द से जल्द अपराधी का पता लगाए। शिवसा कहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना हमारा ड्यूटी है। उसके जाने के बाद शिवसा ने लिटिल गाओ को उन दोनों पर, खासकर प्रोफेसर सेन पर नजर रखने के लिए कहा। लिटिल गाओ दोनों का पीछा करते हैं, वे सब लिटिल गाओ को किसी का पीछा करने का अनुभव नहीं है और वो जल्द ही जल्द उन्हें खो देता है। कोई इंसिडेंट से डेमेंशिया से पीड़ित एक बूढ़ी महिला क्यान क्यान चिल्लाती है और वो उससे मदद मांगते हैं। दयालु गौ उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता और उसे वापस अपने घर ले जाता है। लिटिल गाओ को सोफे के नीचे एक छिपा हुआ बक्सा मिलता है, जब बक्स को खोलते हैं तब लिविंग रूम में एक सायादार आकृति दिखाई देती है, जिसके परिणाम स्वरूप कठपुतली और शैडो के बीच लड़ाई होती है। सो जोजुशी अपने लड़के को बचाने के लिए ठीक समय पर आ जाता है। SID ऑफिस में वापस आकर शिवसाओ ने तुरंत यह निष्कर्ष निकाला कि शैडो ली क्यान के पीछे थी, ना कि लोरोमी के। उसके घर में हुई घटना के बाद बुढ़िया उसकी दादी भी थी। फिर हम प्रोफेसर सेन को देखते हैं, जो शिवसाओ के बायोडाटा देख रहे होते हैं। पुरानी यादों की झलक उस व्यक्ति के साथ दिखाई देती है जो शिवसाओ से सा दिखता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें 10,000 वर्षों से खोजा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या डिसाइड लेते हैं, इसका अफसोस मत करो, मुझे आशा है कि तुम्हें अब भी याद होगा हमारे मिलने का व्यवस्था। यहाँ वो खुद को कुलून कहता था, उनका दोबारा मिलने का 10,000 साल पुराना वादा था। अगली सुबह शिवसाओ ली क्यान के घर से निकलते ही उसका पीछा करता है। अपनी मोटरसाइकिल पर 10 फीट दूर बैठा ललीपॉप चूसकर उसे देख रहे होते हैं। डेगन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सेन ने देखा कि ली क्यान कितना अस्थिर था और उसे सांत्वना देने के लिए आता है। प्रोफेसर सेन पूछता है,
आप कैसे हैं लेकिन हाल ही में आप बस स्टॉप में अच्छे मूड में नहीं रहे हैं। लेकिन कहती है यह कुछ भी नहीं है। वैसे प्रोफेसर उस दिन जो लोग आए थे क्या वे सचमुच मई के हत्यारे को पकड़ सकते हैं? प्रोफेसर सन कहता है मुझे लगता है कि वे सामान्य लोग नहीं है। लेकिन कहती है क्या वे भी मॉन्स्टर? प्रोफेसर सन कहता है नहीं वे मॉन्स्टर नहीं है, वे तो और भी स्पेशल है। असली मॉन्स्टर केवल लोगों के दिलों में मौजूद है। अब इतना आशंकित मत हुई, आखिरकार यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति हल कर सके। मैंने सुना है कि हाल ही में आपको अपनी दादी की देखभाल के लिए कोई नौकरियां करनी पड़ी। यह एक अच्छा विचार है। आपको नींद भी नहीं आती, यह कठिन होना चाहिए। लेकिन पूछती है किसी की रक्षा के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना यह वास्तव में इसके लायक है? प्रोफेसर सेन कहता है जाओ तुम अपने क्लास के लिए प्रिपेयर करो। प्रोफेसर सेन शिव साओ को देख लेते हैं। शिव साओ उसे अनदेखा करते हुए चले जाते हैं। प्रोफेसर सेन उसके पास जाते हुए देखकर वह घबराए हुए कहता है क्या यह प्रोफेसर सेन नहीं है? जैसा कि एक कहावत है हम संयुक्त से मिल सकते हैं। प्रोफेसर सेन कहता है शिव साओ को समझने लगा हूँ जब आप फ्री होते हैं तो आप हमारे यूनिवर्सिटी में भागे क्यों चले आते हो? शिव साओ कहता है मैं आज यहाँ आया क्योंकि आपसे कुछ पूछना है। आखिरकार आप लगभग सब कुछ जानते हैं जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बिना सुए चीजों को हिला सकते हैं, साकू और गुलियों से अप्रभावित है और यहाँ तक कि अपना आकार भी बदल सकते हैं? प्रोफेसर सेन कहता है यदि इस प्रकार के लोग मौजूद है क्या वे पहले से ही आपके द्वारा रिक्रूटेड नहीं किए गए होंगे? भले ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट गहराई से छिपा हुआ है इसका मतलब यह नहीं है कि कोई संकेत नहीं है। शिव साहु कहता है मैंने इस बारे में नहीं सोचा। प्रोफेसर सेन जैसा बुद्धिमान कोई इन अविस्मरणीय बातों पर भी विश्वास करेंगे? प्रोफेसर सेन कहता है हमारे पूर्वजों ने कहा है बुद्धिमान व्यक्ति पारलौकिक चीजों के बारे में चर्चा नहीं करते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यदि वो अस्तित्व में है तो वे अस्तित्व में है। हालांकि बहुत से लोग इनके अस्तित्व के बारे में नहीं जानते। हम अभी भी सभी निशान नहीं मिटा सकते। शिव साओ कहता है आपको लगता है कि डिक्सिंग लोग क्या सच में हमसे इतने अलग है? आप डिक्सिंग लोगों के बारे में भी जानते हैं? प्रोफेसर सेन वास्तव में एक नेचुरल रिसोर्सेस है तो फिर आपके क्या विचार है इस मामले के बारे में? प्रोफेसर सेन कहता है ये मेरे से परे है। स्टूडेंट को पढ़ाना और कल्टीवेटिंग करना ही मेरा काम है। अपराधियों को पकड़ना और रहस्यों को सुलझाना शिव साओ और SIG की स्पेशलिटी है। शिव साओ कहता है सच बताओ मैं सचमुच नहीं जानता क्यों जिस पल में तुम्हें देखता हूँ तब मुझे अपनेपन का एहसास होता है। प्रोफेसर सेन कहता है कौन जानता है शायद हम सच में पहले मिल चुके हैं। फिर देखते हैं इसी तरह बिना अधिक स्पष्टीकरण के वे डिक्सिंग सेडो के घरेलू ठिकाने का पता लगा लेते हैं। लेकिन सस्पिशियस कहीं नजर नहीं आता है। इस बीच ट्रेगन यूनिवर्सिटी में वापस बिखरा हुआ दिमाग वाला लेकिन प्रोफेसर सेन से टकराता है। वो उसके हार को देखता है। जब उसे इसके का एहसास होता है तो उसकी एक्सप्रेशन बदल जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर कब्जा कर पाता सेडो ने उन पर फिर से हमला कर दिया। अचानक दुनिया स्थिर हो जाती है। सट पर काले हुड वाली नकारपुष आकृति दिखाई देती है और अपनी शक्तियों से डिक्सन दोस्त को मुक्त कर देती है। वो आदमी ब्लैक क्लोक एंजल निकला जो मानवता के लिए ज्ञान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति में से एक है। एक नियम के रूप में दो जनजातियों के बीच हजारों साल के समझौते द्वारा निर्धारित हेंगसिंग डिक्सिंग को अरेस्ट कर सकता है। लेकिन डिक्सिंग के भागने की जिम्मेदारी उनकी जनजाति की है। ब्लैक क्लोक एंजल अपने कैदी के साथ निकल जाता है। उसके जाने के बाद वो लोग प्रोफेसर सेन को ढूंढते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाती है। Thank you for watching my video. Bye bye.